फरीदाबाद में बिजली विभाग को लाखों रुपए की चपत लगाने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बिजली विभाग में खजांची के पद पर तैनात था और यहीं से वो जनता के पैसे हड़प रहा था। आरोपी अब तक करीब 19,33,000 रुपए का फ्रॉड कर चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। हिमाचल का रहने वाला है और बिजली विभाग में बदरोला सब डिवीजन में कैशियर के पद पर तैनात है। वहाँ इसने कैशियर के पद पर रहते हुए 19,37,101 रुपये का गबन किया। ये विभागीय बिजली विभाग के ऑडिट करने पर पाया गया कि इसने 19 रुपये का गबन किया है। उस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया गया था पिछले साल 18/10/2021 को। आज इसको बिजली बोर्ड कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। किस तरीके से ठगी करता था या किस तरीके से ये जो है ना गबन कराया इसने, क्या कैसे करता था? ये चेक आते थे और कैश आता था बिजली बिलों का, तो ये आगे भुगतान ना करके अपने पास रखता था और सीधे गायब कर देता था। तो कहीं ना कहीं जो बुक थी उनको भी कहीं ना कहीं गायब करता था ये? यस, इसने उनको भी कहीं कहीं गायब कर रखा है, वो भी बरामद की जाएगी। तो क्या इससे कोई अभी तक कोई बरामद हुई है? नहीं, अभी कोई बरामदगी नहीं हुई है। आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और इससे बरामदगी की जाएगी। तो जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इतनी मोटी रकम सरकार को गबन करना कितना, मतलब किस तरीके से जो है ना इसने ठगी करी है, क्या परमानेंट था? परमानेंट है, 2012 से बिजली विभाग में तैनात है और बार बार बयान बदल रहा है, इसलिए इसके पुलिस रिमांड लेकर ही बरामदगी की जाएगी और जब पता चलेगा इसने अपना पैसा कहाँ लगाया है गबन के वहाँ पैसा। क्या क्या नाम है इसका? इसका नाम बुद्ध सिंह है। बुद्ध सिंह हिमाचल का रहने वाला है, जिला मंडी का। बता दें कि आरोपी फरीदाबाद के बदरूला सब डिवीजन बिजली विभाग में कैशियर के पद पर तैनात था और लोगों के बिल के पैसों को पिछले काफी दिनों से हड़प रहा था। आरोपी मूल रूप से हिमाचल का रहने वाला है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।